आज है थर्सडे, इसका मतलब है फार्मिंग सिम्युलेटर 2019 का एपिसोड चल रहा है। यस, ये है एपिसोड नंबर 6। वेलकम टू माय चैनल, मेरा नाम है वरुण कुमार। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे हम लोग वीट बेच सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं, साथ साथ काफ़ी सारा हमने और भी जगह पर अपना हाथ फेरा हुआ है। जैसे कि हमने यहाँ पर सोयाबीन के सीड्स डाल रहे थे, वहाँ पर ग्रोइंग आई थिंक ऑलमोस्ट हो चुकी है, मे बी हार्वेस्टिंग का टाइम आ चुका है और तीसरे फील्ड पे भी कुछ ना कुछ चल रहा है। तो यहाँ पर हमें ये नहीं समझ आ रहा कि हम सोयाबीन्स जब ग्रो करने के लिए छोड़ दिए थे तो यहाँ पर ये पूरा क्यों नहीं हुआ काम। तो इस एपिसोड में हम ये करते हैं एंड मे बी हम आपको ये भी दिखाएंगे कि ये जो वीड्स है इसमें, इसको हम वीडर से कैसे हटा सकते हैं, साथ साथ देखेंगे। और हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, चालू है, वो हम उसमें भी देखेंगे कि हम दो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं कि नहीं, और उसमें ट्रक चला के उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करके खूब पैसा लेकर आएंगे घर। तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करो और मैं थोड़ी देर में आप लोगों को शार्ट आउट दूंगा। हम अपने ट्रैक्टर में बैठ जाते हैं जल्दी से और यहाँ पर एक वर्कर को हायर कर लेते हैं। आइच, ये मैडम आज हमारा काम करेंगी, सारा का सारा इसमें से निकल जाते हैं बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा स्टंट मारती हैं। यहाँ पर हमने क्या उगाया था, ओट, और यहाँ आप देख सकते हैं ये ग्रोइंग फेज में है। ओए होए, स्पीड देखो हमारी। तो ग्रोइंग फेज में आप ये नोटिस करो कि फर्टिलाइज तो सही है लेकिन वीड यहाँ 100% हो रखा है। यहाँ पर जो थोड़ी सी जगह है ये देखो, ये जो है ओट, ये हार्वेस्ट के लिए रेडी हो चुका है लेकिन अभी इतना खेत तो बचा हुआ है भाई, तो वो हम देख लेंगे, सारे इकट्ठा ही कर लेंगे। ये क्या है भाई? ओ, ये तो हमारा है ही नहीं, घास तो पीछे था। तो ये थी जो हमने घास उगाई थी, इसको हम फेंक सकते हैं, बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो चलो, ये तो उग रहा है तो उगने दो। एक बार मैं एस्केप दबा कर देख लेता हूँ कि लैंड में क्या क्या टाइप्स है। तो एक बार कल्टीवेटेड में, हम कल्टीवेटेड नहीं, ग्रोइंग में देखते हैं, क्योंकि हम जो हमने वीडर लगाना होता है वो हमें ग्रोइंग फेज पे आई थिंक लगाना होता है। तो यहाँ पर ग्रोइंग फेज में देखो आप, अगर कौन सा रंग है, ग्रीनिश रंग है, ये है सारे जो अभी ग्रोइंग वाले फेज पर है और ये डार्क ग्रीन हो चुके हैं। इसका मतलब है चांस है कि इस पे वीडर तो चलेगा ही नहीं, ठीक है, तो वो देख लेंगे। 19 वाला जो है उस पर भी हमारा रेडी हो चुका है, यानी कि मे बी हम यहाँ भी वीडर का अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दुकान चलते हैं। दुकान कैसे जाते हैं? दुकान दुकान, ये तो काम हो रहा है, ये रही दुकान। आइए यहाँ से वीडर उठाते हैं, कोई अगर उठाया जाए तो। क्या क्या है जी? फॉरेस्ट्री ब्ला 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 ब्ला, यहाँ पर दिखाओ हमें, हमें हमें वीडर दिखाओ, फॉर वीडर। तो ये रहे, खूब सारे वीडर्स हैं इसमें। ये 35,000 वाला, इसको मैं लीज़ करने की सोच रहा हूँ। पुल आउट स्मॉल ग्रोन वीट बिटवीन क्रॉप्स, इम्प्रूविंग द फील्ड स्टेट, दे कैन ओनली बी यूज इन द फर्स्ट ग्रोइंग स्टेज ऑफ द क्रॉप्स। तो अच्छा, ये सारे जो हैं फर्स्ट स्टेज पर ही हो सकते हैं। और इसमें कुछ खरीदने का है, लास्ट टाइम हमने लिया था लेकिन हमें समझ नहीं आया था, तो इस बार हम ये ले लेते हैं, इसको जाके लीज़ कर लेते हैं। कितने का है ये? 35,000 यूरोज़ का है लेकिन 1,800 यूरो पड़ेगा अगर हमने लीज़ किया। तो चलो इसको लीज़ कर लेते हैं। बूम, डू यू वॉन्ट टू लीज इट? यस, यू कैन पिक इट अप, लेट्स गो एंड आई विल टेल यू हाउ टू वीड योर क्रॉप। बूम, फीएट 1300 डीटी, डीटी भाई। चलो इसको लगा लेते हैं, पीछे लग ही जाएगा ना ये। अटैच हो गया। अरे भाई बहुत खतरनाक होगा ये पक्का, इतने सारे कांटे लगे हुए हैं यार। मैप कैसे निकालते हैं? 9 से, ठीक है। खैर मुझे रास्ता तो इतना अभी तक इतना तो याद हो ही गया है सर। इंडिकेटर के भी कुछ बटन्स थे, मुझे बिल्कुल याद नहीं है, वो इतना याद नहीं है। लेकिन तो शाउट आउट देता हूँ मैं एपिसोड नंबर 5 से। पहला शाउट आउट जाता है इंडियन गेमिंग YT को, फिर जाता है द नेचुरल गेमर, पायरेट क्राफ्ट, इन्होंने कहा है भाई माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिम्युलेटर खेलो। माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिम्युलेटर भाई मेरे पास अभी है नहीं, कभी स्टीम सेल आएगी मैं खरीद लूँगा। शाउट आउट टू जगदीश गेमिंग। जगदीश गेमिंग क्या कह रहे हैं भाई? मोबाइल वर्जन में कैरेक्टर को व्हीकल से बाहर कैसे निकाला? भाई ये मोबाइल वर्जन नहीं है, ये डेस्कटॉप वर्जन है, कंप्यूटर पे खेल रहे हैं हम।
तो मोबाइल वर्जन मैंने अभी तक ट्राई नहीं करा है क्योंकि वो पेड है, उसको फिर उसको भी ख़रीदना है। आप लोग मोबाइल पे भी खेल सकते हो ये गेम, फार्मिंग सिम्युलेटर 2020 वर्जन आपको मिलेगा, आई थिंक पेड है, प्ले स्टोर पर जाकर देख सकते हो या ऐप स्टोर पर जाकर देख सकते हो। इट इज़ अ फन गेम, वो फार्मिंग सिम्युलेटर 2020 है, पीसी पे सिर्फ फार्मिंग सिम्युलेटर 2019 ही आया है। कूल cool ना, कैसे लग रहे हैं हम? लग रहे हैं मस्त हैंडसम। नेक्स्ट शाउट आउट टू जगदीश गेमिंग अगेन। इसमें महिंद्रा की ट्रैक्टर और ट्रैक्टर की मॉड के साथ फार्मिंग करो एज अ प्राइमरी ट्रैक्टर। तो ट्रक चलाना है या ट्रैक्टर चलाना है भैया? जगदीश भाई ठीक से बता दो हमें। शाउट आउट टू यश चौधरी भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। शाउट आउट टू मनोज सॉन्ग गीत, ओके ये थोड़ा यूनिक यूज़र नेम है भाई। ये गेम मिनिमाइज़ कैसे करना है भाई? गेम मिनिमाइज़ क्यों करना है आपको? मिनिमाइज़ अगर आपको करना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट एस्केप दबा दो, टास्क मैनेजर खुल जाएगा, उससे मिनिमाइज़ कर लो, वरना आप अपना विंडोज़ बटन जो होता है उस बटन को क्लिक कर लो और आपका मिनिमाइज़ हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा मिनिमाइज़ करने का, वेरी सिंपल। और इन्होंने पूछा है कि फुल मैप कैसे दिखता है। भाई नंबर 9 एक बार दबाओ और नंबर 9 दूसरे बार दबाओगे तो आपको ऐसे मैप दिखेगा। अगर आपको फुल मैप देखना है तो मैं दिखाऊंगा, अभी एस्केप दबाकर भी वो हो जाएगा। एक बार मैं ये यहाँ पर पहुँचा दूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फुल मैप कैसे दिखता है। ESC जो आपका एस्केप बटन होता है, आपने बस उसे क्लिक करना है। तो अभी ओ ओ ओ गलत जगह चला गया मैं। वैसे कोई बात नहीं, हमने वो लेफ्ट वाला ट्रैक्टर लेना है और ये वाला जो वीडर है इसे लगाकर वो देखो वो जो उग रहा है ना उस पर हम ट्राई करते हैं कि वीड हटेगा कि नहीं। मस्त, इसको यहाँ पे छोड़ो। एक ट्रैक्टर तो मेरे को लगता है हमेशा, ओ ब्रेक 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 भी मारता है भाई हमारा बंदा। यहाँ देखना अभी, ओए होए बहुत टैलेंटेड है हमारी तरह। देख रहे हो, मस्त। चलो फिर ये लिया। ओ भाई साहब, डैम दिस लुक्स अ बिट फनी। बहुत हंसी आ रही है भाई मुझे इसे देख के। चलो भाई इसको अटैच करो और हम वीडर यहाँ से शुरू करते हैं। एक बार देख कर आएंगे, दिखाएंगे आपको कि कैसा है, दिख रहा है सब कुछ, उग रहा है कि नहीं। बीच में पेड़ आ गया, बट स्टिल लेट्स सी इफ इट इज़ इवन पॉसिबल, बिकॉज मैंने कभी ट्राई नहीं करा सच बताऊँ। और इस पर मैं चला सकता हूँ क्योंकि मैंने वो डिसेबल करा हुआ है ऑप्शन। थोड़ा पीछे चलते हैं, देख के आते हैं। तो यहाँ देख सकते हो कनोला ग्रो हो रहा है। अरे वाह क्या धूप लग रही है। कनोला 50% फर्टिलाइज, 100% वीडेड हो चुका है ये। अंदर चलते हैं, इसको कैसे खोलना है? अनफोल्ड वीडर एक्स से। ओ भाई साहब कितना बड़ा होगा ये, ओ माय गॉड। अरे भाई साहब ये तो हेलीकॉप्टर बन गया। थोड़ा सा हम राइट ले लें और इसको एक्टिवेट करेंगे अभी। माय गॉड दिस इज लाइक बोइंग एयरबस A380 लग रहा है। तो दिस इज़ हाउ यू वीड योर फार्म, लेट्स होप इट वर्क्स। अब इसको लोअर करना है वी से, बूम। अब वीड दिख रही है क्या हमें? लेट्स सी, यहाँ पर एक वीड था। ओ भाई सच्ची में चलता है भाई ये तो। लेट्स सी उतर के देख कर आते हैं। ये काम कर गया भिड़ू, काम कर गया। और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा वीट रह गया, लेकिन कोई बात नहीं। अब वी विल गेट बैक इनसाइड, थोड़ा सा और चलाएंगे और उसके बाद हम वी विल हायर अ वर्कर, वो कर देगा हमारे लिए। थोड़ा राइट में चला लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वाओ दिस इज अमेजिंग मैन। सो नाउ वी हैव लर्नड हाउ टू वीड योर फार्म, हाउ टू रिमूव वीडर्स फ्रॉम योर फार्म। आई डिडंट इवन नो कि ऐसी कोई चीज़ होती है, मतलब कैसे करते हैं ये भी नहीं पता था हमें। लाइटें नहीं जल रही हैं हमारे ट्रैक्टर की। ओ अच्छा ये हायर वर्कर दबा दिया हमने। लाइटें किसे चलाते थे हम? नहीं जल रही, कोई बात नहीं। इसको नीचे करो और कंटिन्यू करके अब वर्कर को हम दे देते हैं, वो कर लेगा बिकॉज ही इज़ वेरी टैलेंटेड। अरे व्हील थोड़ा अंदर ले आए, बस अब यहाँ एच दबाया, ये वर्कर हमारे लिए मैडम काम करेंगी। फिर से सेम मैडम आ गई, इसमें से एस्केप कर लो
सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने थोड़ा इंटरप्शन कर दिया। तो यहाँ आप देख सकते हो वीट 0.000% है, तो ये बहुत बढ़िया हो गया। हेल्पर ए इज ब्लॉक बाय एन ऑब्जेक्ट, हेल्पर ए कौन है? देख एक मिनट, हेल्पर का नाम कैसे पता चलता है? अच्छा ये आई थिंक ये पेड़ से अटक गए ना, कोई बात नहीं। शी विल डू हर वर्क वेरी नाइस, गुड वर्क। अरे भाई तोड़ देगी तोड़ देगी तोड़ देगी तो नहीं नहीं हार्वेस्टर की हमें ज़रूरत तो अभी है नहीं, उसको हम पोर्ट को क्या ही करें। ये काम कर दिया इसने पूरा, देख करें। तो यहाँ पर वीड अभी आपके देख सकते हो 0% है। फर्टिलाइज़र यहाँ पर वीड हमने चलानी है, वीडर चलाना है, क्योंकि इनिशियल फेज़ है ग्रोथ का। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये मतलब ग्रोइंग ना थोड़ा अच्छा फेज़ है। कैसे दिखाता हूँ, एस्केप दबाओ। देखो आपको मैप भी जानना था ना मनोज भाई, तो ये देखो एस्केप दबा दो, ये ऊपर ये जो गोल चक्री बन रही है ना दुनिया की, इसको क्लिक करो। ये देखो आपका यहाँ पर पूरा मैप दिख जाएगा, आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं माउस के कर्सर के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब ग्रोइंग का फेज़ शुरू हो जाता है ना, यहाँ पर राइट में आप देख रहे हो, तब जब ग्रोइंग का फेज़ शुरू हो जाता है तब आप उस पर वीड्स निकाल सकते हो, वीडर निकाल सकते हो। जैसे इसका रंग देखो आप 19 वाले फील्ड का थोड़ा लाइट ग्रीन है, यानी कि अभी थोड़ा स्टार्टिंग ही है। जब आपका ग्रोइंग का फेज़ एंड में आ जाता है ना, तो मेरे हिसाब से शायद आप इसमें से वीड्स नहीं निकाल सकते हो। तो जब ग्रोइंग शुरू हो जाए तब इस पर कर दो। अब देखो ये जो 26 है ये अभी ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो जब थोड़ा और आगे ग्रो हो जाएगा, अब इसमें मैक्सिमम तो है जो स्टार्टिंग में ही है, लेकिन उसमें वीड्स नहीं लगी हैं। वीडर्स लगती हैं जब आपके पौधे उग रहे होते हैं। तो बेस्ट बेट इज़ टू वेट, एंड जब ये थोड़ा रंग चेंज कर देगा तब आप अपना कर लो। तो यहाँ पर हमारा सीड वाला काम हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमारा ग्रोथ चल रही है, यहाँ पर हमारा वीडर चल रहा है। तो देखते हैं जाकर जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था उसमें क्या हालचाल है। कॉन्ट्रैक्ट किधर है? ये रहा हमारा कॉन्ट्रैक्ट। तो ये क्यों नहीं चल रहा है, आई हैव नो आइडिया। एच दबाकर इसको भी हमने हायरिंग पे लगा दिया, एक और मैडम काम कर रही है हमारे लिए। जाके अब अपना ट्रक भी देखें कितना भरा है, 74%। आई थिंक वी कैन गो सेल इट, कैन वी सेल इट? एक बार फिर से देखते हैं कितने परसेंट पे हैं। ये तो 13% पे हैं। चलो इनको देख लेते हैं एक बार कि अगर इसने यहाँ से लेफ्ट लिया तो कितना और रह जाएगा। वो हमारा ट्रक देखो वहाँ पर खड़ा है, मस्त टाटरा का ट्रक। एंड दिस गाय इज स्टार्टिंग टू डू हिज जॉब। और भाई साहब ये पीछे गाड़ियाँ ऐसे क्यों रुक गई, मतलब ट्रेन आएगी फोड़ देगी उनको, अच्छा लगेगा? लाइक व्हाई आर यू डूइंग दिस मैन? ओके 14%, 15%, 16%, आई थिंक ये पार्ट कवर कर ही लेगा ये जल्दी, बट देन हमारा ट्रक फुल हो जाएगा। ये तो हर सेकंड में 1% कर रहा है, यानी कि 80 सेकंड हमें वेट करना होगा और ये पार्ट हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या था, मैंने आप लोगों को क्या बताया था लास्ट टाइम कि यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट ये रहा, यहाँ पर था ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। उसमें क्या था, ट्रांसपोर्ट करना है आइटम फ्रॉम डेयरी स्टेशन टू ट्रांसपोर्ट कंपनी। तो अगर मैंने इसको ले लिया तो हमारे पास ट्रक तो है नहीं, सिर्फ मतलब वो वाला ट्रक है, ट्रैक्टर है एक। ट्राई करें, एक्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हम। ओ योर फार्म ऑलरेडी हैज़ एन एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, तो उसकी वजह से आप दो कॉन्ट्रैक्ट एक साथ नहीं ले सकते हैं। ओके तो बट मेरे हिसाब से जो हमारा नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा वो ये भारी भरकम वाला होगा, जिसमें हम 44,000 यूरोस कमा सकते हैं, जिसमें हमने सोइंग करनी है पटेटोज की। पटेटोज, डू वी इवन हैव एक्सेस टू पटेटोज? आई डोंट इवन नो। चलो कोई बात नहीं, वी विल चेक दैट लेटर। एस्केप दबाते हैं, ये पार्ट हो रहा है। मैं तब तक आप लोगों को शाउट आउट दे देता हूँ जिन लोगों ने एपिसोड नंबर 4 पर कमेंट करा था, हाउ टू गेट अ कॉन्ट्रैक्ट इन फार्मिंग सिम्युलेटर 2019 कैरियर मोड। तो पहला शॉट आउट जाता है प्रोटो गेमर को। हेलो वरुण भाई, आपका ज्वाइन बटन कब ओपन होगा? बहुत सून ओपन होगा। आप लोग सब्सक्रिप्शन के हिसाब से सपोर्ट करना चाहते हैं अगर मेरे चैनल को तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो नहीं करें, इट्स अप टू यू। उसमें क्या होगा कि मान लो 50, 100 या 150 रुपये का कोई पर मंथ का एक सब्सक्रिप्शन होगा, जिसके बेस पर आपको एक स्टिकर मिलेगा। जब आप कमेंट करेंगे मेरे वीडियोस पर तब आपको वो स्टिकर साइड में दिखेगा, या फिर आप लाइव स्ट्रीम पर होंगे तो आपको साइड में दिखेगा। मे बी जब तक ये वीडियो डल जाए आप लोगों को वो स्टिकर दिख जाए,
या फिर वो ज्वाइन बटन दिख जाए, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। फ्यूचर में और एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स मिलेंगे जब सिर्फ मेंबर्स ओनली स्ट्रीम होया करेगी, जहां पर मेंबर्स कमेंट कर सकते हैं या फिर मेंबर्स देख सकते हैं वीडियो, तो वो सिर्फ उन लोगों के लिए होगी जो बटन को ज्वाइन करेंगे, क्लिक करके ज्वाइन करेंगे। बट वो अलग अलग पैक्स के हिसाब से आते हैं, एक मीडियम, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, आपके ऊपर होता है कि आप कौन सा पैक सेट करना चाहते हैं। तो वो मैं सेट करूँगा इन द फ्यूचर, क्योंकि स्ट्रीमिंग इसी साल आने वाली है बहुत जल्द। डिफरेंट गेम्स, क्रेजी गेम्स लाइक GTA 5 जो अभी तक चल रही है, जब नई गेम्स आएंगी लाइक GTA 6 उसको भी हम करेंगे, और सब इस साल के एंड से शुरू हो जाएगा स्ट्रीमिंग। सो जस्ट स्टे ट्यून फॉर दैट। शाउट आउट टू फन गेमर, ETS 2 एंड ATS 2 आर बेस्ट फॉर यू बाय द वे, नाइस वीडियो, थैंक यू सो मच। शाउट आउट टू गुजरात सेवा केंद्र एंड शाउट आउट टू जगदीश गेमिंग। इसमें मल्टीप्लेयर है क्या? इसमें मल्टीप्लेयर का ऑप्शन आता है मेन सेटिंग्स में, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं करा है। सो आई विल ट्राई दैट वन डे एंड लेट्स सी क्या होता है, राइट? फिर इसमें एपिसोड नंबर 3 भी है, एपिसोड नंबर 3 के शाउट आउट्स भी बाकी हैं। उसमें कौन कौन है? ओके, तो इसमें है सुमित स्वामी, ब्रो प्लीज़ 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 परचेस अ न्यू ट्रैक्टर, शाउट आउट टू द नेचुरल गेमर, नाइस गेम फॉर फार्मिंग एंड प्लीज़ लाइक इट। हाँ, लाइक करो भाई। यश चौधरी, शाउट आउट टू यू भाई, बढ़िया गेम है भाई, आधे में ग्रास आधे में ओट, हाँ आधे में ग्रास और आधे में ओट छोड़ दिया था मैंने, फिर बीच में खूब सारे स्पैम वाले मैसेजेस आए इसमें। शाउट आउट टू इंडियन गेमिंग YT, इंटरनेट की वजह से मैं प्रीमियर नहीं देख पाया, और अगर कोई नया ट्रैक्टर लेगा तो ब्लैक लेना, क्योंकि ब्लैक मेरा फेवरेट है। चलो मैं ध्यान रखूँगा कि जब भी मैं कोई नेक्स्ट ट्रैक्टर लूँगा उसमें मैं आपका फेवरेट ब्लैक कलर की कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट। एंड लास्ट कॉमेंट इज गुजरात सेवा केंद्र का, वेरी गुड ब्रो, मेरा लैपटॉप 8GB रैम एंड NVIDIA 920MX है, तो क्या मस्त चलेगी ये गेम? आई थिंक ये मस्त चलेगी, 920MX इज़ अ गुड ग्राफिक कार्ड आई थिंक। मोबाइल जो डेस्कटॉप, सॉरी लैपटॉप के जो ग्राफिक कार्ड्स होते हैं उनके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट या ओके। यहाँ पर जो है टैंक फुल हो चुका है, सो वी विल ब्रिंग आर मस्त टाटा का ट्रक और वहाँ पर हम थोड़ी लोडिंग करवा लेते हैं। बूम, लाइट किससे चलती थी यार? ओ, एफ से चलती है। ओ, ब्लिंकर्स आगे चलाने, नम पैड पे 1 से लेफ्ट, नम पैड पे 3 से राइट। ओए हो, पीछे से देखें, हाँ अरे चलता है। चलो भाई, इसको रात भी हो रही है गेम में, ये पार्ट तो एटलीस्ट कंप्लीट हो ही जाएगा जब तक हम घूम के आएंगे। अरे लेकिन हमारी कैपेसिटी, ये लाइट सही लग रही है, ब्लिंकर अच्छे लगे हुए हैं। अच्छा लग रहा है ना ये? अब YouTube के सेटिंग्स के हिसाब से मैंने वीडियोस बनाना शुरू कर दिया है, आई डोंट इवन नो कि डिफरेंस आपको लोगों को दिख भी रहा है कि नहीं, बट वी विल सी। एंड ऑलमोस्ट 100% ये हो चुका है, उसमें बचा है वीट, थोड़ा सा बचा है, आई थिंक हो जाएगा। ओ बढ़िया, ढको इससे। तो अब जब तक ये हो रहा है तब तक हम इसको बेच के आते हैं। एंड वेयर डू वी गो? 9 दबाते हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, अंदर चलते हैं। अंदर चलाने में थोड़ा यू नो मज़ा अलग है। तो 98% वीट फुल हो चुकी है। ओ हो, राइट में और भी लोग, लेफ्ट में राइट में लोगों के और फार्म्स बने हुए हैं जिसमें चीज़ें उगती रहती हैं, विच इज़ सुपर नाइस। डैमेज ट्रक होता है कि नहीं, आई डोंट इवन नो, आई हैव नेवर टेस्टेड इट। अगर अंदर से हम 1 दबाएं, अच्छा नहीं दिखता भाई, बहुत खतरनाक तरीके से चला रहा हूँ मैं, बड़े स्पीड वाला ट्रक का मौका मिला है हमें चलाने का। एनिमेशन अंदर ना ठीक नहीं है। किधर जाना है? सीधा उसके बाद शॉप वाली जगह से, अच्छा जो भी कट आएगा वहाँ से भी लेफ्ट लेंगे, ठीक है। इनके पीछे चला लेते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। शॉप से लेफ्ट लेके फिर राइट लेके फिर सीधा, ठीक है, समझ गया समझ गया। हॉर्न बजता है,
बज रहा है, आवाज़ बहुत कम आ रही है। आज का एपिसोड हम थोड़ा शॉर्ट ही रखेंगे बिकॉज़ अब आप लोगों को मैंने अपना स्केड्यूल बता ही दिया है कि अब कब कौन से दिन क्या चलेगा, तो प्लीज़ ध्यान रखें। आप जो आपकी फेवरेट गेम है वो, अरे भाई लेफ्ट लेना राइट लेना है, अबे घोंचू गलत टर्न ले लिया। प्लीज़ माफ़ कर दीजिए सब, हम थोड़ा एग्रेसिव ट्रक ड्राइवर हैं बिकॉज़ वी कम फ्रॉम द द अमेरिकन ट्रक एंड द यूरो ट्रक सिमुलेटर फैमिली। वहाँ पर भी हम थोड़ा भयंकर तरीके से चलाते हैं ट्रक। यहाँ से भी राइट ले सकते हैं ना, वेयर डज दिस गो? और सिमिलर जगह लेके जाएगा, नो पॉइंट, यहीं से चलते हैं। We're going to take a right turn. See, बाहर चलाने में सीरियसली इट इज मच इजियर, क्योंकि ट्रेन भी दिख जाती है, वरना हमें ट्रेन नहीं दिखती। अरे भाई, अरे भाई ये क्या हो रहा है? अरे 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 ले, अरे ट्रेन आ जाएगी भाई। हमने ट्रक को काफ़ी गंदे तरीके से ठोक दिया एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। वो हमें बाद में पता चलेगा कि जितना हमने कमाया है उसमें से कितना पैसा वेस्ट हुआ है। चलो जी बस, यहाँ पर इसे अनलोड करते हैं। ये हमें ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर अनलोड करने का। ओ भाई साहब ट्रक के अंदर नहीं जाना, हाँ वीट दिखाना था, देखो कैसे भरा हुआ है और कैसे, अरे अंदर, हाँ ओए होए नाइस। एटी सिक्स परसेंट ट्रांसपोर्ट हो चुका है, इसको बंद कैसे करेंगे? आई से, हाँ एन से इसको ढक दो भाई। हाँ अब हमें वापस जाना पड़ेगा फील्ड पर, मस्त जगह से। अरे हेल्पर बी का भी काम पूरा हो गया। यहाँ पर रोड मर्ज होती है, मैंने लास्ट टाइम ये ध्यान नहीं दिया था। और ये जब आपका ट्रक 50-60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा थोड़ा मैड हो जाएगा, प्लीज बी केयरफुल। ये आवाज़ किसकी है? अच्छा वेज पेमेंट कटी है। अबे अब किधर जाना है? सीधा भी जा ही सकते हो, हाँ समझ गया। अब हम इसको वहाँ पे पहुँचाते हैं बिकॉज़ उसका फुल हो गया है फॉर सम रीज़न, हो ही जाना था फुल। तो फील्ड नंबर 11 पे आई थिंक लेके जाना है, और या दैट्स अबाउट इट। रास्ता थोड़ा याद करने में मेरे को तो दिक्कत होता ही है, लाइक रियल लाइफ में भी दिक्कत होता ही है। लेकिन एक बार याद हो जाए फिर हमें याद रहता है, आई मीन दैट मेक्स नो सेंस आई नो। तो प्लीज़ अपने कमेंट्स कृपया करके नीचे डाल दीजिए, आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं जो हमने स्केड्यूल बनाया है मंडे टू संडे का। मंडे ETS टू ट्यूसडे ATS, वेडनेसडे ETS टू, थर्सडे फार्मिंग सिमुलेटर 2019,
फ्राइडे, हाँ सैटरडे को है ATS और संडे को है JWE यानी कि जुरासिक वर्ल्ड एवोल्यूशन। अब पता है क्यों मैंने ऐसे करा है, मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिकन ट्रक यूरो ट्रक का हमारा हाथ बैठा हुआ है और उसकी हम छोटी वीडियोस भी बना सकते हैं। अब फार्मिंग सिम्युलेटर और जुरासिक वर्ल्ड में क्या है कि आपको बहुत कंटेंट दिखाना होता है क्योंकि वो एक तरीके से गेम जो है रियल टाइम में चल रही है। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज थिंग्स। आई होप आप लोग ये चीज़ समझते हैं इस चीज़ को कि हमारे साथ क्या हो रहा है। वी हैव टू टेक अ लेफ्ट टर्न हियर क्योंकि हमारा जो ये है भर चुका है। अरे भाई कितना रह गया, थोड़ा सा ही रह गया है और दिक्कत हो गई मतलब। ओ नहीं है, काफ़ी है काफ़ी है। यहाँ पर हम इसे छोड़ के अपने वापस उस फार्म पे जाएंगे और देखेंगे वीडर्स ने क्या करा है एंड इस एपिसोड का एंडिंग यहीं हो जाएगी। अरे भाई ट्रैक्टर से गिर रहा है भाई, इधर अरे थोड़ा इधर कर लेते हैं ताकि निकल ले आराम से। ठीक है चलो मिलते हैं नेक्स्ट जगह पर। इसने अपना काम कर लिया है, बेल एंड गुड। इसको हम कहीं और पार्क कर सकते हैं। बेचारे का कंस्ट्रक्शन का मतलब बुरा हाल हो गया है। वैसे शेड में लेके जाना था मुझे। ओए ओ तेरी की भयंकर। फॉर सम रीजन इन सब की कैलिब्रेशन कुछ ऑफ लग रही है, कोई बात नहीं देख लेंगे। इसको यहीं पार्क करते हैं। और कौन सा ट्रैक्टर है ये, तो कोई काम का नहीं है। एक बार जाके उतर के देख लेते हैं सारे वीडर सही है। हाँ देखो वीड 0% है, थोड़ी बहुत यहाँ रह गई होगी 4, 9, 11, 10। वो राइट साइड में हमने चलाया था इसलिए कोई बात नहीं, इतना तो हम छोड़ ही सकते हैं। एक्सपैंड नहीं करना चाहिए बस उसे। ठीक है लेट्स टेस्ट दिस। और इसको जाकर अपने नए वाले फार्म जहाँ पर वो उग चुका है वहाँ भी चला के देखते हैं। इसको पहले फोल्ड कर भाई, टूट जाएगा। हाउ डू आई फोल्ड इट, बी से? अरे एक्स से। देख रहे हो तो इसमें हम रात को भी फार्मिंग कर सकते हैं इफ यू वांट। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर वीड जो है हटेगी कि नहीं, मैंने भी कभी नहीं ट्राई करा है। सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम आई विल बी ट्राइंग। ओके दिखा देता हूँ, 100% है यहाँ पे। अरे देखो काम नहीं कर रही है, दिखाता हूँ ये देखो, क्योंकि वो मैंने जैसे आपको बताया था वो यहाँ पर नहीं चलेगा। सो वी विल फोल्ड दिस अगेन यूजिंग एक्स, वी से ऊपर उठाओ। वहाँ पर ग्रोइंग चालू है, जैसे ही वो ग्रोइंग का फेज बदल जाएगा हम यहाँ पर वीडर चला सकते हैं। बट वॉट इज़ द बेस्ट थिंग इज़ कि आप यहाँ पर चला दो अभी एंड वो आई थिंक काम कर जाएगा। मैं आपको एक बार उतर के दिखा देता हूँ। यहाँ पर 66% और 90% दिख रहा है आपको। सो आपने इसको खोला, काफ़ी ज़्यादा हमने इसको रनवे दे दिया है ट्रैक्टर को, तो यहाँ चला सकता है। अब इसको नीचे करने के लिए वट डू वी प्रेस, बी सॉरी वी। ये देख रहे हो आप ये सारी वीड्स हैं जो हम एलिमिनेट कर रहे हैं। तो ये सिमिलर जो है चीज़ हमने बाद में वहाँ पे भी ट्राई करना है। ये देखो दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे ग्रो हो रही है। ये जो थी ये हमारा क्रॉप नहीं था, ये एक्चुअली वीड्स थे सारे। इससे क्या होता है यील्ड कम हो जाती है, जितने आप ग्रो करते हो ना आपके क्रॉप्स की यील्ड कम हो जाती है। यहाँ पर ये एंड करते हैं एंड सक्सेसफुली ये चीज़ यहाँ पर ख़त्म हो गई। तो आई होप आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर मज़ा आया है तो प्लीज़ जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अपने थॉट्स, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।